दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा वायुसेना दिवस के अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह की अध्यक्षता में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मर्यादा पुरुषोत्तम पीजी कॉलेज मऊ के प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने कहा कि भारत के उत्तर और पश्चिमी सीमा पर हमारे दो शत्रु हैं, जिसमें चीन सैनिक तथा तकनीकी दृष्टि से भारत से बहुत आगे है, जिसके कारण भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना होगा। भारत अब रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ा है, इसलिए सार्वजनिक भारतीय कंपनियों के साथ साथ निजी कंपनियां भी रक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इसके लिए भारत में उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना कर रहा है, जिससे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। साथ ही साथ ये भारत की आर्थिक संपन्नता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगा। भारत रक्षा क्षेत्र के निर्यात में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आज भारत ब्रह्मोस, तेजस जैसे अत्याधुनिक हथियारों का निर्यात कर रहा है। इसके साथ ही भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि आगे चलकर विश्व कॉन्टैक्ट लेंस वार और अंतरिक्ष युद्ध की तरफ से अग्रसर हो रहा है, जिसमें सैनिक एक दूसरे से बिना संपर्क में आए हुए युद्ध लड़ने के लिए तत्पर होंगे। भारत 75 से ज़्यादा देशों में रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है। ये भारत की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने का प्रमाण है। यह निर्यात प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत तेजी से रक्षा निर्यातक देश के रूप में स्थापित हो रहा है। यह भारत के आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत विश्व की शक्तियों में गिना जा रहा है। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रसाद यादव, डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर सिंह, विकास कुमार पाठक व छात्र छात्राएँ उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रचार प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा, शुरू करने से पहले ही मान गंभीर जी ने मारा, मान दिग्विजय जी मारा, सदैव जुड़े रहे, क्योंकि हम लोगों को ऐसे अध्यापक गण मिले जिनके संरचनात्व में, जिनके नेतृत्व में हम लोगों को हर जगह जाने का, सभागार में बड़े बड़े संगोष्ठियों को सुनने का और माननीय महामानव वैद्यनाथ जी के मार्गदर्शन कई आओ तो बहुत बड़े थे, उनको देखने सुनने समझने का थोड़ा सा नजदीक से एक अवसर मिला। और जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, वो उस समय अभी गोरखपुर में उनका नया पदार्पण था, तो उस रूप में उनको जानने समझने का ये मौका मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं आप लोगों के मध्य मित्र शुभ्रांशु जी करने पे हूँ। आज का विषय सर्वप्रथम तो आज वायु सेना दिवस है, 8 अक्टूबर। हर साल 1932 से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उस समय कॉलोनियल आर्मी थी, ब्रिटिश इंडिया था, 1932 से ही एयरफोर्स की स्थापना हुई और धूमधाम से आज ही के दिन प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि
गोरखपुर भी एक वायुसेना का गढ़ है, एक सेंटर पॉइंट है और ये बहुत क्रूशियल जगह है भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लिए हुए प्लेस है। चूंकि यहाँ से चाइना के बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर बहुत दूर नहीं है तो उत्तर क्षेत्र का ये मजबूत हवाई अड्डा है, इसलिए हो सकता है कि भविष्य में आपको एयरफोर्स के बड़े अधिकारियों को भी सुनने का मौका मिले। वायुसेना दिवस की आप लोगों को खूब बधाई। आप लोग एयरपोर्ट पे जाइए, कभी वायुसेना वाले क्षेत्र में जाइए और वहाँ के विमानों को जो एयरफोर्स के विमान है, जेट फाइटर वगैरह, फाइटर प्लेन्स, जगुआर, मिराज, आप लोग पढ़ते होंगे वो सब भी देखने का आप लोगों को अवसर मिलेगा। आप लोग ऐसे स्थल पर हैं जिसका भी लाभ आप लोग उठाइए। आज के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, भारत का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु बढ़ते कदम। सर्वप्रथम तो आप सभी अवगत होंगे कि आत्मनिर्भरता है क्या। आत्मनिर्भरता का मतलब कि पूरी तरह से स्वावलंबन, आप अपने पैरों पर खड़े हैं, वही आत्मनिर्भरता है। अगर आप किसी के मदद से चल रहे हैं तो बैसाखी का सहारा उसे कह जाएगा और बैसाखी से आप चल तो सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते, यानी आप कभी विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप लोग पढ़ते हैं, बहुत चीजें कक्षा में प्रशिक्षण का अंग नहीं होती है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु नहीं होती है, लेकिन रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के अध्येता के रूप में या छात्र के रूप में आपका दायित्व बनता है कि जो भी चीज इस तरह की मिले तो उसको आप डिटेल में यूट्यूब और इंटरनेट की मदद से गहराई से छानने का प्रयास करें, छानने का। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, विश्व युद्ध दोनों आप यूट्यूब से देखिएगा, समझिएगा। तो कॉलोनी पीरियड में भी भारत वर्ष में बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां बन गई थी जो आयुध निर्माण कर रही थी, अर्थात वो लड़ाई के साथ जो सामान बना रही थी, आम इक्विपमेंट बना रही थी। 18 ऐसी फैक्ट्रियां थी जो बड़े बड़े गन, आर्टिलरी गन जिसको बोला जाता है, एक गन तो जो होता है 303 आप देखते थे 5 साल पहले, अभी पुलिस लोग लेके एक राइफल चलते थे 303। भारत थोड़ा सा और उन्नत सील हुआ तो इंसास राइफल यहाँ बनी, अब थोड़ा सा और एडवांस हो गया तो AK-47 AK-56 का आप नाम सुने होंगे, तो AK की एक अगली एडवांस सीरीज 203 नाम से अब लखनऊ में बन रही है हर साल से। तो ये सब चीजें लेके तो आत्मनिर्भरता का अर्थ आप लोग जान चुके हैं कि आत्मनिर्भरता मतलब कि स्वयं के कदम पे खड़े होना और विश्व के रेस में कदम से कदम मिलाकर दौड़ना। और अंतरराष्ट्रीय विषय आपको समाचार के माध्यम से मिलता है, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, कम समझ में आएगा, तो आप महीने दो महीने छह महीने देखेंगे तो हो सकता है आप बहुत गहराई तक। आज दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग के तरफ से वायुसेना दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी रखी गई है और जिस संगोष्ठी का विषय है कि रक्षा क्षेत्र में भारत कितना आत्मनिर्भर बना है और इस रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी स्तर पर क्या किया जा रहा है। आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रदीप कुमार राय जी हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम महाविद्यालय रतनपुरा बलिया से हमारे बीच आए हैं। ये रक्षा अध्ययन के बड़े ही निष्णात विद्वान और अध्येता हैं, आज उनका व्याख्यान चल रहा है।